बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स इन ह्यूमंस आर नोन टू अकर इन ऑप्शन ए फैलोपियन ट्यूब्स एंड यूरेथ्रा, ऑप्शन बी यूस्टेचियन ट्यूब एंड स्टमक लाइनिंग, सी ब्रोंकियोल्स एंड फैलोपियन ट्यूब, ऑप्शन डी बाइल डक्ट एंड इसोफेगस। तो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। टू नो दिस वी नीड टू नो द की कंसेप्ट। और यहाँ पे की कंसेप्ट क्या है, दैट इज एपिथेलियल कॉलमनर एपिथेलियल सेल जो कि सीलिएटेड है। सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल सेल ये क्या है, इसका विड्थ जो होता है लेंथ से कम होता है, इसीलिए इसको कॉलमनर शेप बोला जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, एपिथेलियल सेल से हेयर लाइक प्रोजेक्शन आउटग्रो होता है। तो ऐसा क्यों है, ये कॉलम लाइक पिलर लाइक शेप हो गया, तो ये हो गया सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल सेल। तो हमारे बॉडी में हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ रीज़न होता है। ये जो हेयर लाइक प्रोजेक्शन हो है, ये वेव लाइक सिचुएशन पास करता है। ओके, वेव लाइक सिचुएशन क्रिएट करता है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, ये जो कुछ पार्टिकल अगर कुछ पास करना हो तो ये वेव मूवमेंट के मदद से ये पास ऑन हो जाता है। ओके, सो दिस इज द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल। अब हम क्वेश्चन में आएंगे, क्वेश्चन में क्या बोला गया। तो यहाँ पे बोला गया कि ये कॉलमनर सीलिएटेड एपिथेलियल कहाँ पे प्रेजेंट होता है। देखिए, ये ब्रोंकियोल्स में प्रेजेंट होता है। ओके, हवा पास करना होता है ब्रोंकियोल्स में, है ना। उसके बाद फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब एग या ओवा को पास करते हैं, है ना। उसके बाद नेजल कैविटी, नेजल कैविटी हमारे नाक में होता है। ठीक है, सेम एज यू नो हवा पास करने के लिए, थोड़े थोड़े पार्टिकल पास करने के लिए ये सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल सेल पाया जाता है। और कहाँ पे होता है, यूस्टिचियन ट्यूब में होता है ना, यूस्टिचियन ट्यूब में भी होता है। तो ट्यूब में पाया जाता है। ओके, अब हम क्वेश्चन में आएंगे कि कौन सा वाला सही ऑप्शन होगा। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया, फैलोपियन ट्यूब एंड यूरेथ्रा। देखिए, फैलोपियन ट्यूब तो ठीक है, बट यूरेथ्रा में ट्रांजिशनल एपिथेलियम है, क्योंकि यूरेथ्रा में ब्लैडर सिस्टम है, तो यहाँ पे कॉलमनर एपिथेलियल सेल नहीं पाया जाता है। अच्छा, उसके बाद यूस्टेचियन ट्यूब एंड स्टमक लाइनिंग। अगेन आई एम सेइंग यूस्टेचियन ट्यूब में तो है, बट स्टमक लाइनिंग में क्या होगा, नहीं, ये सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम होता है, तो स्टमक लाइनिंग में सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल सेल नहीं देखने को मिलता है। उसके बाद ब्रोंकियोल्स एंड फैलोपियन ट्यूब, हाँ ये हो सकता है क्योंकि ब्रोंकियोल में भी होता है एंड फैलोपियन ट्यूब में भी होता है। उसके बाद डी हम देखेंगे, बाइल डक्ट एंड इसोफेगस। ठीक है, तो बाइल डक्ट में क्या होता है, बाइल डक्ट में होता है सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, ये सीलिएटेड नहीं होता है, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। ओके, और इसोफेगस में होता है, इसोफेगस में होता है स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। ठीक है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। सो द करेक्ट आंसर इज ब्रोंकियोल्स एंड फैलोपियन ट्यूब, विच इज ऑप्शन सी। सो आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। ऑल द बेस्ट।